हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट सेशन में हमने डिस्कशन किया था डिफरेंशिएशन का एक टाइप्स, जिसमें हमने पैरामेट्रिक इक्वेशंस के डिफरेंशिएशंस देखे थे। हमने देखा था पैरामेट्रिक इक्वेशंस क्या होती हैं, जहां हमने ये डिस्कस किया था इनको डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं। तो पैरामेट्रिक इक्वेशंस में हमने देखा था कि हमें एक्स और वाई दोनों इंडिविजुअल गिवन होते हैं, अलग अलग वैल्यूज गिवन होती है किसी थर्ड वेरिएबल अदर वेरिएबल्स में। जैसा हम आज एक और क्वेश्चन देखने वाले हैं उसी एक्सरसाइज से रिलेटेड, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझना क्योंकि इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा लेंदी भी है क्वेश्चन। ओके चलो, तो हमने उसमें देखा था कि हम इन दोनों ही, हमें एक्स और वाई जो दोनों वैल्यूज गिवन होती है, इंडिविजुअल गिवन होती है, और इन्हें डिफरेंशिएट करना होता है उसी वेरिएबल में जिसमें इक्वेशन गिवन है। जैसा कि हमें दिख रहा है ये टी की फॉर्म में हमें गिवन है, तो हम दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे टी के रेस्पेक्ट में। तो सबसे पहले चलो हम इसी को डिफरेंशिएट करते हैं। ओके, तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टी, तो हमें यहां दिख रहा है x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt। अच्छा, इसे डिफरेंशिएट करना है तो आपको पता ही है हमें क्या यूज करना पड़ेगा, u अपॉन v वाली प्रॉपर्टी को यूज करना होगा। तो चलो u अपॉन v प्रॉपर्टी यूज करते हैं इसमें। तो यहां क्या होगा, देखो u अपॉन v प्रॉपर्टी क्या होती है कि नीचे वाला जो फंक्शन होता है उसे हम कॉन्स्टेंट रखते हैं, ऊपर वाली वैल्यू को डिफरेंशिएट करेंगे, तो यानी d अपॉन dt ऑफ साइन क्यूब t, ठीक है, फिर माइनस, फिर ऊपर वाली वैल्यू को हम कॉन्स्टेंट रखते हैं एंड डी अपॉन डी टी ऑफ जो भी नीचे वाली वैल्यू है हम डिफरेंशिएट करेंगे cos रूट cos 2t, ओके, एंड होल अपॉन रूट cos 2t का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो तो इसे डिफरेंशिएट करेंगे, देखो हम तो dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू रूट cos 2t एज इट इज, साइन क्यूब टी को अगर हमें डिफरेंशिएट करना है तो चेन रूल से डिफरेंशिएट करेंगे, ऐसे क्वेश्चन हमने बेसिक्स में काफी देखे। तो अगर हमें साइन क्यूब टी को डिफरेंशिएट करना है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, साइन टी का होल क्यूब, ठीक है, और साइन टी का होल क्यूब करेंगे तो फिर हम इसे एक्स की पावर एन से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए उस कंडीशन में, थ्री साइन स्क्वायर टी, ओके, फिर साइन टी को अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या जाएगा, कॉस टी। चलो यहां आते हैं नेक्स्ट, साइन क्यूब टी कॉन्स्टेंट रूट कॉस टू टी को डिफरेंशिएट करेंगे तो रूट कॉस टू टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, वन अपॉन टू रूट कॉस टू टी, ठीक है। फिर हम, क्योंकि हमने चेन रूल यूज कर रहे हैं अब तो आपको प्रैक्टिस होगी तो बार बार में हम इस चीज को नहीं समझेंगे, वैसे डायरेक्टली ही करना चाहिए अब तो, ठीक है, फिर भी चलो देख लेते हैं। तो ये हमारा वैल्यू को हमने रूट वाले अंदर जो वैल्यू है कॉस टू टी इसको हमने एक्स अज्यूम कर लिया, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन वन अपॉन टू रूट एक्स है ना, फिर कॉस टू टी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का साइन टू टी एंड 2t को फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो ओनली क्या जाएगा, इनटू 2। अच्छा, ये 2 से 2 तो कैंसिल हो ही जाएगा, होल अपॉन नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर था तो ये क्या जाएगा, cos 2t, ठीक है। चलो देखो यहां पे इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, तो डिनोमिनेटर में मैंने इसके 1 ले लिया, तो जैसे डिनोमिनेटर में 1 लेंगे तो dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, रूट cos, अच्छा इसका एलसीएम लेंगे तो देखो रूट cos 2t इसका एलसीएम होगा तो ये रूट हट जाएगा इसके ऊपर से, cos 2t 3 sin square t cos t, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस sin cube t sin 2t, ठीक है, होल अपॉन, देखो हमने इसका एलसीएम लिया होता है रूट cos 2t, ठीक है, यही होता है इसका एलसीएम, और cos 2t हमारे पास पहले से भी अवेलेबल है, तो ये ऊपर वाले का जो भी डिनोमिनेटर होगा वो नीचे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो साथ में इसी के मल्टीप्लाई में आ जाएगा cos 2t, ओके। चलो तो dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू, देखो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहां थोड़ा कैलकुलेशंस को हमें ध्यान देना होगा, ठीक है, या फिर एक काम करते हैं अभी फिलहाल इसको हम एज इट इज ऐसा ही रहने देते हैं, लास्ट में फाइनल सॉल्यूशन करेंगे वहां हम इसी के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट कर लेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चंस को हम उसी समय कंडीशंस को सॉल्व करते हैं, इसे अरेंज करके लिख देते हैं। चलो तो ये हो गया हमारे पास 3 sin square t cos t cos 2t plus sin cube t sin 2t अपॉन cos 2t की पावर 3 बाय 2, ठीक है, तो ये वैल्यू मिल गई हमें, किसकी वैल्यू मिल गई है, dx अपॉन dt की, ये हमारे पास dx अपॉन dt आ चुका है। सिमिलरली हमें किससे कैलकुलेट करना है, dy अपॉन dt को, तो dy अपॉन dt को भी अगेन हम कैलकुलेट करते हैं, देखो इसलिए थोड़ा क्वेश्चन मैंने कहा था लेंदी होने वाला है, ठीक है, बस आपको डिफरेंशिएट आना चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट वो है हमारे लिए, ठीक है, तो हम dy अपॉन dt की बात करते हैं, ठीक है, तो अगेन देखो इसमें अगर हम dy अपॉन dt कैलकुलेट करेंगे तो dy अपॉन dt इज इक्वल्स टू क्या होगा, वही सेम प्रोसेस, नीचे वाली वैल्यू कांस्टेंट, u अपॉन v प्रॉपर्टी यूज होगी, cos 2t कांस्टेंट, d अपॉन dt ऑफ किसका डिफरेंशिएशन, cos cube t का डिफरेंशिएशन, माइनस अपनी ऊपर वाली वैल्यू कांस्टेंट यानी cos cube t कांस्टेंट
एंड डी अपॉन डी टी ऑफ रूट कॉस टू टी, ठीक है चलो, और वही अगेन होल अपॉन रूट कॉस टू टी का होल स्क्वायर। जैसे इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो देखो हमें क्या मिलने वाला है, डीवाई अपॉन डी टी की वैल्यू देखते हैं। देखो रूट कॉस टू टी कॉन्स्टेंट, कॉस क्यूब टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, अगेन देखो वही थ्री कॉस स्क्वायर टी, फिर कॉस टी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का साइन टी। सेम माइनस कॉस क्यूब टी कॉन्स्टेंट, रूट कॉस टू टी को अभी अभी हमने डिफरेंशिएट किया, देखो सेम एज इट इज वैल्यू आ जानी चाहिए, सेम आ जाएगा वन अपॉन टू रूट कॉस टू टी, ओके इंटू माइनस साइन टू टी और इंटू टू, तो ये टू से टू तो हम कैंसिल कर ही लेंगे, और होल अपॉन इसका होल स्क्वायर है तो कॉस टू टी एज इट इज, ठीक है। तो फाइनली इसमें भी हमें जो वैल्यू मिलने वाली है डीवाई अपॉन डी टी की, देखो वो डीवाई अपॉन डी टी की वैल्यू क्या जाएगी, अगर हम जैसे इसका एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर में वन लेके, तो जैसे इसका एलसीएम लेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी माइनस, देखो ये माइनस का हो गया ना सॉल्यूशन, इसलिए तो माइनस का थ्री, चाहे कॉस कुछ भी लिख दो, चलो माइनस का थ्री कॉस स्क्वायर टी साइन टी कॉस टू टी, यहां माइनस माइनस अगेन प्लस हो गया, कॉस क्यूब टी साइन टू टी, ठीक है होल अपॉन कॉस टू टी की पावर थ्री बाई टू। अब ये थ्री बाई टू पावर कैसे आ जाएगी, जैसे यहां पे आई है, जब आप ऊपर एलसीएम लेते हैं उसमें भी सेम रूट कॉस टू टी को एलसीएम लेते हैं तो वो रूट कॉस टू टी नीचे कॉस टू टी से मल्टीप्लाई होता, तो सेम क्या बनता हमारे पास, कॉस टू टी की पावर थ्री बाई टू, तो सेम एज इट इज यहां पर भी हमें क्या मिल गया, कॉस टू टी की पावर थ्री बाई टू, ठीक है। तो ये डीएक्स अपॉन डी टी आ गया हमारे पास, ये डीवाई अपॉन डी टी आ गया। अब हमें वैल्यू चाहिए किसकी, डीवाई बाय डीएक्स की, ठीक है। तो इसे चलो हम इक्वेशन फर्स्ट दे लेते हैं, इसे हम इक्वेशन टू ले लेते हैं। अब हमें कैलकुलेट करना था dy by dx, तो सबको पता है dy by dx क्या होता है, dy upon dt upon dx upon dt, ठीक है। कल हमने क्वेश्चंस मतलब लास्ट सेशन में जब लास्ट वीडियो उसमें आप देखोगे और उसमें हमने देखा है कि हमने वहां क्वेश्चंस किए हैं पैरामेट्रिक के, तो पहले ही देखा है कि dy by dx ऑलवेज किसके इक्वल होता है, dy upon dt होल upon dx upon dt के। तो वैल्यू पुट करेंगे देखो यहां पर हम, तो वैल्यू पुट करते हैं, देखो dy upon dt की जैसे हम वैल्यू पुट करेंगे तो क्या है, माइनस का थ्री कॉस स्क्वायर टी साइन टी cos 2t प्लस cos क्यूब टी साइन टू टी होल अपॉन, देखो होल अपॉन cos 2t की पावर 3 बाई टू है, और उसी में हम dx अपॉन dt का जैसे डिवाइड करेंगे तो cos 2t की होल पावर 3 बाई टू एक दूसरे से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल हो जाएगा तो इसमें भी आपको सिर्फ डिनोमिनेटर में हमें यही मिलने वाली वैल्यू क्या, 3 साइन स्क्वायर टी cos 2t प्लस साइन क्यूब टी एंड साइन, ठीक है। तो हमारे पास dy by dx की वैल्यू ही आ जाएगी। देखो जनरली वैसे अगर देखा जाए तो हम डिफरेंशिएट तो पूरा कर चुके हैं, तो dy by dx की वैल्यू हम ऐसा भी छोड़ देते हैं तो नॉर्मली आंसर्स मिल, मार्क्स आपको मिल जाएंगे अगर ऐसा क्वेश्चन पेपर में अटेम्प्ट होता है। बट फिर भी देखो अगर एग्जामिनर चाहे तो थोड़ी सी मार्क्स काट सकता है इसमें, क्यों काट सकता है, क्योंकि आपने सिंपलीफाई इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया, सिंपलीफाई नहीं किया, सिर्फ डिफरेंशिएट करके छोड़ दिया है। बाकी डिफरेंशिएशन देखा जाए तो dy by dx ओके है यहां तक, पर हम चलो ठीक है इसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं, इसका हम आंसर जो भी हमें लाना है वो हम कैलकुलेट करते हैं। तो देखो यहां पर आते हैं, अब देखो इसको थोड़ा सा ध्यान देना अच्छे से, क्योंकि आंसर जो हमें लाना है बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, कैसे आएगा देखो यहां, अगर मैं यहां साइन टू टी की वैल्यू रखता हूं टू साइन टी कॉस टी, आप लोगों ने पढ़ा ये 11th का फॉर्मूला है, साइन टू थीटा टू साइन थीटा कॉस थीटा होता है, तो साइन टू टी की वैल्यू क्या हो जाएगी टू साइन टी कॉस टी, तो जैसे ही टू साइन टी कॉस टी करेंगे यहां बनेगा कॉस की पावर फोर टी बनेगा। अब अगर यहां कॉस की पावर फोर टी बनेगा तो हम क्या करेंगे, यहां पर कॉस टू टी की भी वो वैल्यू पुट करेंगे जिसमें कॉस स्क्वायर आता हो, क्योंकि कॉस स्क्वायर आएगा तो कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर मल्टीप्लाई होकर कॉस की पावर फोर बना देगा, तो सिमिलर टर्म्स हो जाएगी तो सिंप्लीफाई करना ईजी होगा। तो हमने क्या किया यहां पर, इसीलिए थ्री कॉस स्क्वायर टी साइन टी एज इट इज रखा, कॉस टू टी की जगह हमने फॉर्मूला पुट कर दिया टू कॉस स्क्वायर टी माइनस वन, ठीक है। चार फॉर्मुले होते हैं कॉस टू थीटा के, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, अलग अलग फॉर्मुले हैं आपको ध्यान होगा, तो उन्हीं में से हमने एक फॉर्मूला अप्लाई किया यहाँ, टू कॉस स्क्वायर टी माइनस वन प्लस कॉस क्यूब टी एज इट इज, साइन टू टी को लिख सकते हैं हम टू साइन टी कॉस टी, ठीक है अपॉन नीचे भी सेम देखो इसी तरीके से हम फॉर्मूला अप्लाई करने वाले, थ्री साइन स्क्वायर टी कॉस टी, यहां कॉस टू टी की जगह इस बार हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया वन माइनस टू साइन स्क्वायर टी, यहां साइन क्यूब टी एज इट इज और साइन टू टी की जगह अगेन टू साइन टी कॉस टी। अच्छा यहां हमने साइन वाला क्यों अप्लाई किया, क्योंकि देखो यहां जब मल्टीप्लाई होगा साइन की पावर फोर बनेगा, तो हम चाहते हैं कि यहां भी साइन की पावर फोर बन जाए इसलिए, ठीक है चलो इसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस का सिक्स
कॉस की पावर 4t साइन टी प्लस 3 कॉस स्क्वायर टी साइन टी प्लस 2 कॉस की पावर 4t साइन टी होल अपॉन, देखो नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे इसे तो क्या मिलेगा, 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी माइनस 3 टू सा 6, 6 साइन की पावर 4t कॉस टी प्लस 2 साइन की पावर 4t एंड कॉस टी। ठीक है चलो और आगे बढ़ते हैं, देखो इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, और सिंप्लीफाई में हम देख रहे हैं देखो 3 कॉस स्क्वायर टी साइन टी, इसको तो हमने एज़ इट इज़ लिख दिया 3 कॉस स्क्वायर टी साइन टी, यहां 6 कॉस की पावर 4t साइन टी था, वहां 2 कॉस की पावर 4t साइन टी है, तो सेम ही टर्म्स है, बस यहां 6 टाइम्स है वहां 2 टाइम्स है, तो 4 टाइम्स रिमेनिंग रह जाएगा, तो माइनस का 4 कॉस की पावर 4t साइन टी होल अपॉन, नीचे भी देखो सिंप्लीफाई करते हैं तो सेम एज इट इज केस यहां बन रहा है, ये 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी हमने एज इट इज रखा, ये साइन की पावर 4t कॉस टी 6 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, तो यहां अगेन 4 टाइम्स रिमेनिंग रह जाएगा, तो 4 साइन की पावर 4t कॉस टी। ठीक है अच्छा देखो अब यहां पर हम देखते हैं कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन अगर हम यहां ले, देखो वैसे तो कॉमन बहुत कुछ आ सकता है यहां पर, लेकिन इसका जो आंसर है बुक में हमें दे रखा है शायद cot t के अप्रोक्सीमेट, आई थिंक cot t दे रखा है इसका आंसर, माइनस cot 2t या cot t ऐसा कुछ आंसर है, cot 3t आई थिंक ऐसा आंसर है, तो अगर मुझे इसको cot की फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो देखो ऊपर हम जानते हैं cot थीटा क्या होता है cos अपॉन sin, तो ऊपर आप नोटिस करोगे cot 3t इसका आंसर है, माइनस का cot 3t। ठीक है तो हम क्या करेंगे, देखो यहां पे कॉमन लेते हैं, क्या कॉमन लेंगे, अगर मुझे cos 3 थीटा ऊपर बनाना है तो आप लोगों ने पढ़ा होगा cos 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ठीक है मैं देखो यहां साइड में मेंशन कर रहा हूं फॉर्मूला, अगर हम बात करें cos 3 थीटा का फॉर्मूला तो क्या होता है, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, और sin 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, तो दोनों ही फॉर्मुलों के फॉर्म में इसको अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, देखो यहां मेरे को 4 cos क्यूब थीटा बनाना है, वो भी प्लस का बनाना है, तो मैं एक काम करता हूं यहां पहले तो माइनस कॉमन निकालता हूं बाहर, फिर इसमें एक cos एक्स्ट्रा एक sin एक्स्ट्रा है, तो मैंने एक माइनस का cos t sin t कॉमन ले लिया। ओके तो जैसे ही माइनस का cos t sin t कॉमन लेंगे तो ये तो प्लस का हो जाएगा, ये वाली जो टर्म्स है प्लस की हो जाएगी, तो प्लस का 4 cos क्यूब t बचेगा यहां, अब ये प्लस की टर्म थी ये माइनस की हो जाएगी, और यहां से भी cos t और sin t बाहर चले गए, तो सिर्फ क्या बचा, सिर्फ 3 cos t sin t, सॉरी ओनली क्या बचेगा 3 cos t, क्योंकि sin t तो बाहर आएगा, एक cos और बाहर चला गया, तो सिर्फ इसके पास क्या रिमेनिंग रहा 3 cos t। सेम यहां आते हैं, नीचे भी हमने क्या किया, देखो cos t sin t को कॉमन ले लिया, तो जैसे नीचे भी cos t sin t कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा 3 sin t, यहां बचेगा माइनस का 4 साइन क्यूब टी। ठीक है देखो cos t sin t कैंसिल हो गया चलो थोड़ा सा रिमेनिंग रह गया, मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं इसका लास्ट जो रिमेनिंग है पोर्शंस। ठीक है हम यहां लिख रहे हैं ओके तो माइनस तो एज इट इज है ही, 4 cos क्यूब टी माइनस 3 cos t, ये किसका फॉर्मूला होता है cos 3t का, अपॉन 3 sin t माइनस 4 sin क्यूब t, किसका फॉर्मूला होता है sin 3t का, तो sin 3t का फॉर्मूला हो गया, तो cos अपॉन sin क्या होता है cot, तो इसका हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, माइनस का cot 3t, तो यानी जो dy by dx की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, माइनस का cot 3t। ठीक है देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, थोड़ा लेंदी था, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर इस एक्सरसाइज में देखें तो बाकी तो सब बेसिक से क्वेश्चन थे, यही एक क्वेश्चन है जो थोड़ा लेंदी था। ठीक है जिसे हमने किया है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज थी वो यही है, ये छोटी जो लास्ट में हमने जो कैलकुलेशन की है कि कहाँ पे हमें cos 2t का कौन सा फॉर्मूला यूज करना है और कहाँ पे साइन वाला और कहाँ कौन सा cos वाला यूज करना है, कैसे कॉमन निकालना है, एक बार प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा, इतनी कोई डिफिकल्टी नहीं है, बाकी जनरली तो हमने डिफ्रेंशिएट ही किया है नॉर्मल चेन रूल और यू अपॉन वी प्रॉपर्टी की हेल्प से, तो नया कुछ नहीं था। चलो ठीक है तो ये हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, अगर हम यहां तक भी छोड़ते हैं तो मे बी मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन अगर देखो प्रॉपर सिंप्लीफाई कर दोगे तो पूरे मार्क्स ही मिल जाएंगे, और ज्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा सा और एफर्ट कर लेंगे जब इतना ही कर लेंगे तो। ठीक है तो ये हमारा क्वेश्चन था एक्सरसाइज 5.6 का, अच्छा क्वेश्चन था जो हमने देखा, इसके बाद अब अगर और भी कोई मुझे लगता है इसमें कुछ और डिफिकल्ट क्वेश्चन है तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, नहीं तो इसके बाद हमारे पास जो नया टॉपिक आने वाला है वो है तो डिफरेंशिएशन ही, लेकिन हम पढ़ने वाले सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, अब तक हमने सिंगल टाइम डिफरेंशिएट किया, अब हम डबल टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।